तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सैमसंग गैलेक्सी M52 के अंदर एक अपडेट आया है, बहुत बड़ा सा अपडेट, जो कि एंड्रॉइड 13 के साथ वन यूआई 5.0। आप लोगों ने शायद लमसम आप सबके फोन में आ चुका होगा और आप लोगों ने अपडेट कर लिया होगा। दोस्त, मैं सोच में पड़ गया हूँ, ये अपडेट आया है या कोई सिलेबस। भाई साहब, 10-12 पेज अगर मैं स्क्रीनशॉट करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पर 10-12 पेज शेयर होगा। बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुआ है वन यूआई 5 के अंदर, और भाई एक एक करके सब डिटेल्स बताएंगे, एक ही वीडियो में तो कंप्लीट होने वाला नहीं है। वन यूआई 4.1 के अंदर जो स्मूथनेस था उससे कई गुना अच्छा हो गया है, काफी बढ़िया फील होता है जैसे हम इसको ओपन करते हैं या कोई भी एप्लीकेशन धड़ से ओपन करता है। भाई यहाँ पर मजेदार से ओपन होता है और आइकन सब बड़े बड़े दिखने लगे, मतलब क्लैरिटी काफी बढ़िया हो गया है, जो कि एंड्रॉइड 13 विथ वन यूआई 5.0 के अंदर मुझे काफी पसंद आया। और एक एक करके मैं डिटेल्स चेक कर रहा हूँ, मुझे काफी मजा आ रहा है यूज करने के लिए। कहीं भी टच करता हूँ यूं फटाक से ओपन हो जाता है, और थोड़ा सा भी मुझे अभी तक लैगिंग वगैरह देखने को नहीं मिला। मुझे आप कमेंट कर सकते हो आपको क्या दिक्कत आ रहा है, बता सकते हो। और भाई प्यारा सा सेटिंग इसके अंदर लॉक स्क्रीन के ऊपर आया है, काफी मजेदार है। आप लॉक स्क्रीन के अंदर जाके देख सकते हो, मजेदार सेटिंग आपको देखने को मिल जाता है। होम स्क्रीन के ऊपर पिंच इन करते ही आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल देखने को मिलेगा। पहली बार मैं इसके अंदर लॉक सेटअप पे काफी पसंद आया हूँ, जैसे यहाँ पे सिंपल क्लिक करते हो आप अपने लॉक स्क्रीन के अंदर, ये इसके ऊपर सिंगल टैप करते ही अलग अलग टाइप का फॉन्ट आपको देखने को मिल जाता है। मुझे काफी पसंद आया ये सेटअप, काफी बढ़िया है। बहुत सारे वॉलपेपर आप अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है, ये एक प्लस पॉइंट है। देखो ये अपडेट के बाद मैं जैसे मैं रिसेंट स्क्रीन के अंदर जाता हूँ, देखो इस अपडेट में स्प्लिट स्क्रीन के अंदर काफी बढ़िया और तगड़ा फीचर्स आया है, एप्लीकेशन को बढ़िया से वो ऑप्टिमाइज कर लेता है। मैं बात करता हूँ, मैं रिसेंट मेनू के अंदर भी वही चीज ओपन होकर रहता है सिंपल, जैसे ये ट्विटर ओपन हुआ है, ट्विटर को हम सिंगल क्लिक करके इसको स्प्लिट स्क्रीन व्यू कर देते हैं, ठीक है, ऊपर आ गया ट्विटर, और नीचे भी हम ऐसे काम करते हैं, मानो मैं जीमेल ओपन कर लिया, दोनों फाइल यहाँ पर अपनी अपनी जगह चल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप का ये सेटअप आप देख सकते हो। अगर मैं सेम टू सेम चाहता हूँ कि ये भी यानी कि इंटरनली भी रनिंग करता रहे, और भाई ये रैम मैनेजमेंट जबरदस्त हुआ है। देखो यहाँ पर मैं इसको छोड़ दिया, यानी कि बैकग्राउंड में यहाँ पर देख सकते हो डुअल सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। इसको मैं क्लिक करूंगा फिर वापस वही पेज पे आ जाता है, ये काफी बढ़िया, मुझे काफी एक अचंभित लगा, आपको पसंद आएगा। कैमरा ओपन करते ही कैमरे के अंदर फोन सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, फोन के अंदर कुछ नया नया फीचर्स हमें देखने को मिलता है, इस बारी में काफी चेंजेस हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हो। मुझे काफी पसंद आया कि इसके अंदर नया नया डिटेल्स, जैसे आप इसके अंदर जाते हो तो आपका फेस जैसे ही आपको लाओगे तो यहाँ पर नया नया तरीका आपको देखने को मिलेगा। और इस बार थोड़ा सा जो पिछले बार जो पोर्ट्रेट कैमरे के अंदर हमें ब्लॉरिंग इफेक्ट यानी साइड वाला कोई एज डिटेक्शन करता था, अब उससे काफी बढ़िया हो गया है। मैं अगर इसको एक हल्का सा क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिला है लमसम। यहाँ मैं रूम के अंदर बैठ के कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि एक आने वाले टाइम में एक डिटेल्स कैमरा रिव्यू भी हम कर लेंगे, तो उससे आपको पता चली जाएगा भाई इसके अंदर कौन सा डिटेल्स चेक किया है। बहुत सारे अपडेट आए हैं भाई, जो आप मैं कहूँगा कि इसको मैं अगर कंप्लीट करने बैठूँ तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए मैं एक एक मेन टॉपिक उठा रहा हूँ जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। होम स्क्रीन के अंदर जाकर देखते हो तो दोनों साइड का जो ऐप ड्रॉअर के अंदर दोनों साइड थोड़ा सा चिन्ह बढ़ा हुआ है, जिसके थ्रू आपको लगता है कि आइकन थोड़ा सा डिटेल्स चेक हो रहा है, काफी बढ़िया। मुझे पसंद आया कि इसके अंदर जो टच रेस्पॉन्स काफी बढ़िया हुआ है, और इस अपडेट में हमें ये सब चीज देखने को मिलता है। अभी तक कोई मुझे कोई किधर से रुझान नहीं मिला कि भाई फोन ब्रिक कर गया या फोन के अंदर कुछ ऐसे बग आ गए जिसके कारण दिक्कत आ रहा है, परफेक्टली बैलेंस करके दिया है वन यूआई। सैमसंग वाले बहुत वार करते हैं, मतलब उनके जो डेवलपर है काफी बढ़िया, उनके लिए अलग टाइप का एक थम्स, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। दोस्तों ये जो वीडियो है छोटी सी इंट्रोडक्शन वीडियो था, मुझे इसका सारे फीचर्स के बारे में डिटेल्स चेक करके एक नोट आउट करके कौन सा चीज जरूरी है आपको बताना, तो इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो में बनाऊंगा एक दो दिन में। मैं दो दिन से इसका डिटेल्स चेक कर रहा हूँ, भाई मुझे अजीब सा फील हो रहा है, भाई इतना सारा अपडेट कैसे आ गया और इसको कैसे मैनेज किया जाए। और आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो आपको इस अपडेट के अंदर क्या क्या मेजर चीज देखना पसंद करोगे, मैं उसी के ऊपर फोकस करूंगा।
आप आराम से अपडेट कर सकते हो, कभी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चार्जिंग वार्जिंग के मैं चार्जिंग के टाइम मुझे कोई हीटिंग इशू दिखा नहीं, और मैं इसका सब कुछ डिटेल्स चेक करूंगा बारीकी से डे बाय डे। फुल इसके अंदर बैटरी बैकअप चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, कैसे इसका परफॉर्मेंस देता है, सब कुछ। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो था, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलेंगे मेरे साथ, तकलीफ बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।